सो हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार फाइनली। और इसमें है क्या कि अभी हम लोग सुबह निकले हैं, अभी हम गुड़गांव में ही हैं। अभी घर से जस्ट सोसाइटी से मैं बाहर निकला ही हूँ। सो अभी मैप पे मैंने लगाया है लोकेशन हर की पौड़ी का, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि 4 घंटे का यहाँ से जर्नी है हमारा। और बिल्कुल भी जाम नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं हरिद्वार में हर की पौड़ी की बात करूँ तो 250 किलोमीटर है, और 250 किलोमीटर की जर्नी हमें 4 घंटे में तय करनी है। सो होपफुली इट विल बी फन, क्योंकि हम लोग 4 लोग हैं, मस्ती करते हुए जाएंगे रोड ट्रिप। सो आप लोग वीडियो के साथ बने रहना लास्ट तक। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं हरिद्वार, और लेकिन यहाँ पे रश थोड़ा ज़्यादा है, जाम अभी ज़्यादा है। जहाँ हमें गाड़ी पार्क करनी है आप देख ही सकते हो, बहुत जाम है। तो 10 मिनट में, हाँ जब हम लोग निकले थे तो मैंने जैसा आपको बताया था स्टार्टिंग में कि 4 घंटा दिखा रहा था हमें कि 4 घंटा में हम पहुँचेंगे, लेकिन 5 घंटे से भी ज़्यादा हो गए हमें। और लेकिन फाइनली अंत भला तो सब भला, हम लोग पहुँच गए हैं। ये है हर की पौड़ी की पार्किंग। अब हम लोग गाड़ी यहाँ पार्क करेंगे, लेकिन गड्डी पार्क करने में समय लगेगा क्योंकि बहुत जाम है। तो गाड़ी हमने लगा दी है अपनी, और यहाँ पार्किंग में गाड़ी लगाने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं स्नान करने के लिए हर की पौड़ी घाट पे। पूरे रास्ते में आपको खाने पीने की व्यवस्था। सो ये गंगा नदी है, हम लोग पहुंच गए जैसा मैंने बताया। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना आप लोग। इस वीडियो में मैंने बहुत ही बारीकी से बताया है हर की पौड़ी के बारे में, मनसा देवी के बारे में। और आपको पसंद आया तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स सर्कल में इसे शेयर करना। ये क्या है? ये पानी में दे देंगे तो हरा हो जाएगा। वाह ऐसा। सो फ्रेंड्स, इस ट्रिप की पूरी जानकारी के लिए और हरिद्वार ट्रिप के बारे में डिटेल्स में जानने के लिए कैसे आप जा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे आप कर सकते हैं, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। जहाँ पे हमने गाड़ी लगाई पार्किंग से लेके जो रास्ता है हर की पौड़ी तक, पूरे रास्ते में आपको पूजा सामग्री, अलग अलग तरीके की चीज़ें आपको, मतलब पूरा बाज़ार लगा हुआ है। सो आप पूरे रास्ते जब तक वहाँ पहुँचेंगे हर की पौड़ी तक एंटरटेन होते रहेंगे, या आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। चढ़ो ऊपर मिल जाएगा। सो यहाँ पे महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए चेंजिंग की बड़ी अच्छी व्यवस्था है। सो ये एक मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी यहाँ पे। तो हो गया हमारा स्नान, अब हम लोग रेडी हो गए हैं। यहाँ पे चेंजिंग रूम है, जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया भी आपको कि लेडीज़ के लिए भी अलग सेपरेट चेंजिंग रूम है, उसमें आप चेंज कर सकते हो आराम से। अब हम सारा जो गीला कपड़ा है वो गाड़ी में रखेंगे, उसके बाद हमारा प्लान है कि हम जाएंगे मनसा देवी। बहुत ज़्यादा रश होने के कारण हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग पैदल जाएंगे मनसा देवी के दर्शन के लिए, बिकॉज जब हमने पता किया वहाँ टिकट काउंटर पर तो उन्होंने बोला टिकट इतने मेहनत के बाद आप टिकट लोगे, उसके बाद भी आपको एटलीस्ट 2 घंटे लगेंगे आपको। तो फिर हमने डिसाइड किया यार कि चलो पैदल चलते हैं। हम लोगों ने दर्शन कर लिया है। दर्शन करने के बाद थोड़ा सा आराम करके हम लोग नीचे उतरेंगे। तो देख सकते हैं आप लोग काफ़ी भीड़ है आज यहाँ पे। सो फाइनली हमारा दर्शन हो गया मनसा देवी का। अब थोड़ा रिलैक्स कर रहे थे हम लोग रास्ते में लौटते वक्त। अब ज़्यादा कुछ प्लान है नहीं हमारा, अब हम लोग लौटेंगे गांव के लिए थोड़ा कुछ खाने होने के बाद। फाइनली हरिद्वार से निकल चुके हैं, जस्ट अभी निकले। अभी हम पार्किंग से गाड़ी निकाली है और मेन रोड पे आ गए हैं। सो टाइम जो है वो अभी जो हुआ है 6:30, शाम के 6:30 बजे हैं। और रिटर्न जर्नी में जो टाइम दिखा रहा है वो 4.5 घंटे का दिखा रहा है गुड़गांव पहुँचने का। तो होपफुली हम लोग टाइमली पहुँच जाएँगे। बड़ा अच्छा रहा ये ट्रिप। हो सकता आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।